जय थोड़ा भाई सोमटन में आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से, दिल्ली में मंडी हाउस में पैसा न धल्ला गुमान सिंह रोतेला नाटक का मंचन किया गया, जो गढ़वाल के शीर्षक नाटककार राजेंद्र सिंह धस्माना जी की स्मृति में किया गया, जिसे दी हाइल्स हिलर ग्रुप द्वारा किया गया। 100 साल के बाद भी उत्तराखंड के रंगमंच में आज भी हमें इस नाटकों को करने और मंचन करने के लिए पैसा स्वयं पे करना पड़ता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें जितने भी लोग हैं वो स्वयं अपना पैसा इकट्ठा करके इस तरह के ऑडिटोरियम बुक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मंचन करते हैं, लोगों तक उत्तराखंड के इन नाटकों को पहुंचाते हैं। आइए देखें दिल्ली से हमारी रिपोर्ट। कचरी मां ताल बटन मां तक सब जदू का दुश्मन एक भी फैसला मनिया फ्रेंचो
अब ये जवान माँ मंदरवाद हो ही नहीं सकता जो आदत पड़ गई ना बजा नहीं बजा पर तुरंत पड़ा हो रहा ना क्या का पड़ से तुरंत है ना से सजनो अगला का रुपए लो ये बात भाऊ में अब मन उभरा सुधी सुधी नहीं कह सकता तो आई आई खा लिया पर समझदार नहीं चीन भाई I'll give you
वेंकटनाथ पाद जनिता यस्यापांग निरीक्षण विधि भवेन्द्रार्कादि सर्वेष्टदम् यन्नाम स्मरणम् महा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें बड़ी दिक्कत होती है रिहर्सल करने में। रिहर्सल के लिए जगह मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मिलती भी है तो कहीं कुछ परेशानी कहीं कुछ परेशानी। इस बार हमारा जो सहयोग पूरी तरह से हमें सहयोग और मैं अपने युवाओं से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के नाटक लिखे जो भी था, और सामंतवाद थे या उस दौर के नाटक फिर आज के दौर के नाटक में फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। सिर्फ बस ये है कि रचनाएं किस तरह की, डायरेक्शन किस तरह का है, एक्टिंग परफॉर्मेंस किस तरह की है और ऑडियंस किस तरह की है। सर सर पूर्ण संवाद में कहीं छेड़छाड़ भी है डायलॉग में, डायलॉग वही रखेंगे। सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है, हाई लर्स का जो नाटक जब भी होता है हमने कभी भी किसी भी नाटक के मूल से कहीं भी कोई छेड़छाड़ नहीं। जो दौर की लड़कियां हैं क्या अब पहाड़ में बोर्डिंग में जा पा रही है, अब कितनी स्थिति बदली हुई? अब तो आज का समाज तो स्त्रियों के लिए लड़ भी रहा है, और सबसे बड़ी बात औरत भी खुद को पहचानना शुरू कर रही है, सक्षम तरीके से लड़ रही है कि पहले और अब के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। अब तो माता पिता भी उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। तेरे को मुझे छोड़ना पड़ेगा। उस कालखंड को आपने जिया जिस कालखंड में दो का सामुदायिक व्यवस्था थी, आज गढ़वाल की क्या समस्या है जिनमें नया लिखा जाना चाहिए? आज गढ़वाल की सबसे बड़ी समस्या तो राजनीति की है, पैसा आता किसी चीज के लिए जाता कहीं है, और सबसे बड़ी चीज है पलायन को हम रोक सके यही। गढ़वाली थिएटर को किस मुकाम में देखती है कि आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आज गढ़वाली थिएटर किस दौर में? ये देखिए, ये तो हम लोगों का प्रयास है शुरू से कि हमने फिल्म्स और मीडिया में जाने के बावजूद भी अपने थिएटर को जिंदा रखा है, और ये तो शायद आपको पता ही होगा कि दिल्ली में थिएटर ग्रुप अगर कोई है तो वह हायर ग्रुप, और मैं यूँ कहूँ कि ये तो मेरी पाठशाला है, यहीं से मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और थिएटर का तो अपना एक मज़ा है, हम लाख फिल्में कर लें लेकिन थिएटर का मज़ा कुछ और ही है। उसमें लाइव परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, लोगों के तुरंत हमारे को रिएक्शंस मिल जाते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है एक कलाकार के लिए, उसको तुरंत उसका रिएक्शन मिल जाता है, उसकी प्रतिक्रियाओं पर लोग प्रतिक्रिया करते हैं। आपने ऋषि कपूर के साथ भी एक फिल्म में काम किया? जी, वो दो दुनी चार थी। मैंने यार जिगरी भी करी है, एक हिंदी फिल्म का एक दौर शुरू किया। अगली पेशकश कब आती है? अगली पेशकश के अलावा और कितना इंतजार करना पड़ेगा? हमारे ये प्रयास है कि हम वर्ष भर में दो जो है प्रस्तुतियाँ दें, इतना ही हम कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी होती है। एक नाटक तो हम कोशिश करते हैं कि उससे सुविनियर वगैरह निकालते हैं, उसके से मीट आउट करते हैं उसको, और एक हम लोग जो है खुद ही कंट्रीब्यूशन करते हैं 5,000 रुपये सब लोग मिलाकर। हमने कहा अगर हमें ये शौक रखना है, अगर ये शौक जिंदा रखना है तो हमें भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो हमारे सारे जो है मेम्बर्स जो है वो जितने से हो सकता जो था संभव हो सकता तो 5,000 रुपये हम दूसरी बार के लिए जमा करते हैं और वो नाटक करते हैं। ये तो, ये तो अपनी जेब से लगा के पैसा अपना शौक पूरा कर रहे हैं। जी जी। क्या संस्कृति विभाग उत्तराखंड हाईरस को प्रवासी मानती है? नहीं मानती है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब वहाँ तक हमने अप्रोच भी की थी लेकिन वहाँ किस तरह का हमें अभी तक समझ में नहीं आया, उन्होंने हमें ये माना नहीं कि भी हम कुछ काम कर रहे हैं या हमारे काम को कहीं देखा गया या नोटिस किया गया हो। संस्कृति विभाग ने तो कोई कोशिश ही नहीं की कि दिल्ली में या अन्य शहरों में भी कौन से लोग हैं जो हमारी संस्कृति लिए काम कर रहे हैं, ये उन्होंने ऐसा कोई काम अभी तक किया नहीं है। और हम उम्मीद रखते हैं उनसे कि वो ऐसी सोच रखें, उनको चाहिए, संस्कृति विभाग को चाहिए कि वो ढूंढें देखें कि हमारे संस्कृति का काम करने वाले जो लोग हैं उनको कुछ ना कुछ जो है मदद करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जयत्रहन पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।